26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1950 में इसी दिन आजाद भारत में हमारा संविधान लागू हुआ था। किसी भी देश का गणतंत्र लोकतंत्र से मजबूत होता है। लोकतंत्र को सुसंगठित और सुदृढ़ करने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। 5 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव हैं तो राजनीतिक दल जीत के अपने अपने दावे और वादे भी कर रहे हैं। पुराने दिग्गज तो यहाँ के अखाड़े में उतर ही चुके हैं। केजरीवाल और ओवैसी की पार्टी भी जोर आजमाइश करना चाहती है। राजनीतिक नारे हमेशा से ही चुनावी उत्सवों को रोचक बनाते रहे हैं और कई बार गेम चेंजर की भूमिका निभा चुके हैं। आइए जानते हैं नारों की दिलचस्प कहानी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में फिर से सरकार बनाने को आतुर है। भाजपा ने यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार और सोच ईमानदार काम दमदार के साथ ही पिछली सपा सरकार से मुकाबला करते हुए फर्क साफ है का नारा दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने थीम सॉन्ग प्रयागराज से मथुरा काशी यूपी भर में है शंखनाद सुनाई पड़ती है फिर यही पुकार जारी किया है। सपा ने इस बार नारा दिया है नई हवा है नई सपा है बड़ों का हाथ युवा का साथ। उनका गाना जनता पुकारती है अखिलेश आइए खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए के साथ ही यूपी में खेला होबे समाजवाद का मेला होबा भी खूब धूम मचा रहा है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने महिलाओं को जोड़ने के लिए नारा दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं अब आई है बहन प्रियंका गाना भी गूंज रहा है। प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा की मायावती ने नारा दिया है यूपी को बचाना है बसपा को सत्ता में लाना है। इसके साथ लोगों को आकर्षित करने के लिए अब करो विजय की तैयारी निश्चित है जीत हमारी गाना भी बज रहा है। अब जरा पुराने समय पर नजर डालें जब चुनावी नारों ने किसी को सत्ता पर काबिज कराया या फिर कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे नारे ने 1991 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस चुनाव में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था और बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का नारे ने बुजुर्गों से लेकर युवाओं किशोरों तक में जोश भरने का काम किया और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त हुई और 1993 में चुनावों में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और काशीराम की बहुजन समाज पार्टी ने दलितों और पिछड़ों को एकजुट करते हुए नारा दिया मिले मुलायम काशीराम हवा हो गए जय श्री राम। इस नारे ने काम किया और मुलायम सिंह यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। समझौते के तहत 3 जून 1995 को मायावती मुख्यमंत्री बनी और इसी बीच गेस्ट हाउस कांड हो गया जिस वजह से सपा बसपा के रिश्ते खराब हो गए। मायावती की अगुवाई में बसपा ने नारा दिया चड़गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। बसपा ने भाजपा और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और नारा बना चलेगा हाथी उड़ेगी धूल न रहेगा हाथ न रहेगा फूल। 2003 के चुनाव में सपा ने 2 नारे और दिए जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है और जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इन नारों ने अपना काम दिखाया और मुलायम सिंह यादव प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने पूरे समाज का साथ लेने के लिए
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देते हुए कहा, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस नारे के जवाब में सपा का नारा था, गुंडे चढ़ गए हाथी पर गोली मारेंगे छाती पर। इस बार बाजी मायावती के पक्ष में रही और वो 2012 तक मुख्यमंत्री रही। 2012 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को आगे कर चुनाव लड़ा। युवा अखिलेश को लोगों ने पसंद किया और पूर्ण बहुमत देकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। 2017 के चुनाव में अखिलेश ने कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और नारा दिया, यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन यूपी की जनता को ये साथ अच्छा नहीं लगा और भाजपा के नारे अब की बार 300 के पार को सच साबित करते हुए प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज करा दिया। अब फिर से रणभेरी बच चुकी है, सभी मैदान में डटकर नए नए नारे गढ़ने के साथ वादे कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक मतदान कर हर कोई एक अच्छी और लोकतांत्रिक सरकार चुनने में योगदान कर सकता है। देखना है 15 करोड़ से भी अधिक मतदाता जीत का सेहरा किसके सिर पर बांधते हैं।